When you are writing your research proposal, then how you can make your objective precise to the point and an objective that make your research impactful. In this video, we are going to reveal all these secrets which a good research objective should have. I'm Dr. Rizwana, founder of Scientific Pakistan. If you are new in this channel, then don't forget to subscribe to the channel and share it with others. आज की वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता क्या है. When we are talking about the meanings of the research objective, the purpose of the research objective, research objective is answering the question that is what we are going to discuss in our all research proposal. उस what का question जो है हम अपने research objective में देते हैं कि वो तमाम why, वो तमाम questions जो कि हमने अपने hypothesis में अपने rational portion of research proposal में discuss किए गए, जिनका हम जवाब देंगे कि हम क्या discuss करने जा रहे हैं, हम क्या discover करने जा रहे हैं, हम कौन से ऐसे problems हैं जिनको address करने जा रहे हैं और वो कौन से ऐसे वे आउट्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करेंगे, वो कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजीज हैं जिनके ऊपर हम अमल करके अपने वाई का आंसर देंगे. सो वी कैन से दैट इन ऑब्जेक्टिव पोर्शन हम उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर रिसर्च. और उस पर्पज़ के लिए हमें जितनी भी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, इधर दे कैन बी अ क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव और मिक्स मैथड, उन सबको डिस्कस करेंगे, कौन सी हम मेथोडोलॉजीज को यूज़ में लेके आएंगे और हमारे रिजल्ट को हम इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे. सो वी आर वर्किंग ऑन द सेंट्रल पोर्शन, वी आर वर्किंग ऑन द मेन पोर्शन और आवर रिसर्च प्रपोजल. सो व्हेन वी जंप इन द डिटेल्स, तो हम देखते हैं कि एक अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है. नंबर एक, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल विच वी कैन से इज़ द सेंट्रल पार्ट. आपकी सारी रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कर रही होती है. आपका ऑब्जेक्टिव जितना स्ट्रांग होगा, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जितने स्ट्रांग होंगे, आपकी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, वो भी उतने ही इफेक्टिव होंगे, उतने ही फ्रूटफुल होंगे. सो keep in mind that your research objective is the central point of your research proposal, of your research idea, of your research journey. Then the second important feature that a good research objective should have is that it should be a concise, it should be a clear, it should be a free of ambiguities. आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्लियर होना चाहिए. जो आप करने जा रहे हैं उसको सिंपल वर्ड्स में और सादा और आसान अल्फाज में लिखा हुआ होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए टू योर ऑडियंस, टू योर रीडर. अगर आपको लगता है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कुछ अनक्लैरिटी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ख़ुद भी क्लियर नहीं हैं और उनके लिए आपने कुछ जनरल टर्म्स यूज़ की हैं, तो दिस इज़ द पॉइंट कि आपको अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से, अपने सुपरवाइज़र से उस चीज़ को डिस्कस करना है. And you have to resolve all the ambiguities, unclarity, और उन तमाम elements को उसमें से remove करना है जो कि आपके reader के लिए confusion create कर रहे हैं, जो उसके mind में एक clear sketch को draw होने से रोक रहे हैं. So your research objective is the part of your research proposal, which is the main part of your research, which is the central part on which your all research is based. आपकी result के अच्छे outcome, आपकी result research का background और आप कौन सी methodologies को adopt कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे parameters हैं जो involve कर रहे हैं अपनी research में, वो सारी चीज़ें depend कर रही होती हैं. Then your research objective is the part of your research proposal जो के क्लियर होना, जिसका कंसाइज होना, जिसका टू द पॉइंट होना और रीडर के लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज दिस दैट इट शुड नॉट बी अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर होगा और सिंगल रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, उतने आपके रिजल्ट जो होंगे, आपके रिसर्च गोल्स होंगे, वो आपको भी ज़्यादा क्लियर होंगे, रीडर को भी पता होगा दैट एट द एंड वी आर गोइंग टू हैव दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स. लेकिन अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक या एक से ज़्यादा हैं, तो ट्राई टू मेक दम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स विच आर लिंक्ड विद ईच अदर. आपका अगर सेकेंडरी और टर्शियरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, तो आपका जो फर्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसमें जिस तरह की स्टडीज़ आप कर रहे हैं, आपके सेकेंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव में उसकी कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए. दैट शुड बी रिलेटेड विद योर फर्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव. एंड इन द सेम वे योर थर्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव
which should be related with your second and first research objective. Try to make as minimum as possible research objective, because ultimately jitna zyada aap yahan par cheezon ko mix up karenge aur cheezon ko relate karenge aur cheezon ko nayi cheezon ko add up karne ki koshish karenge, to ek main cheez jisko aap focus karna cha rahe hain, jiske aap sare aspects ko cover karna cha rahe hain, ho sakta hai wo aapki ignore ho jaye. To try to make one research objective clear, concise, to the point and elaborative. ठीक है. And the third very important feature that your research objective should has is that your research objective should be specific, should be measurable and should be achievable. When we are talking about the specific mean is that you are specifically focusing on a one issue, on a one aspect of any problem, और उसके आप जितने भी elements हैं, जितने भी features हैं, उनको discover करें. जब एक ही चीज़ में आप बहुत सारी चीज़ों को add up कर लेते हैं तो एट द एंड आपके बाजूकात किसी भी चीज़ को एंड रिजल्ट तक लेके जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही होती है. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर रिजल्ट्स तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक, ट्राई टू बी फोकस्ड एंड ट्राई टू कवर ओनली स्पेसिफिक एलिमेंट्स बट इन डिटेल ऑफ एनी इशू यू आर गोइंग टू बी डिस्कवर इन योर रिजल्ट. एंड सेकेंड पॉइंट दैट इट शुड बी अ मेयरेबल. आपका जब हम क्वान्टिटेटिव डाटा की बात करते हैं, जब आपकी रिसर्च जो है वो क्वान्टिटेटिव डाटा पे बेस कर रही होती है, तो आपकी रिसर्च में कुछ ऐसी स्टडीज़ होनी चाहिए दैट शुड बी प्ले विद द डाटा. दैट कैन ईदर बी अ मीन वैल्यूज, दैट कैन ईदर बी यू आर मेयर इन द फ्रीक्वेंसीज, दैट कैन ईदर बी यू आर चेकिंग द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल टू द अदर, और यू कैन मेयरिंग अ रिलेशनशिप्स बिटवीन सम वैल्यूज. तो आपको अपना जो डाटा इन नंबर्स हैं वो भी कलेक्ट करना है, और आपको उसके बाद उनके दरमियान को रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी डेवलप करने हैं. तो आपके जो डाटा है दैट शुड बी अ मेयरेबल डाटा, दैट शुड बी इन नंबर्स, सो दैट यू कैन कंक्लूड योर रिसर्च, यू कैन कंक्लूड योर स्टडीज इन नंबर फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ अ डाटा, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी विजुअल रिजल्ट्स. एंड द थर्ड पॉइंट दैट इट शुड बी अचीवेबल मीन्स आप जिस तरह के रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिवेल्प कर रहे हैं आपको अपने सर्कमस्टांसिस देख के उनको जो है वो डेवलप करना है, कि आप जिस तरह की स्टडी करने जा रहे हैं. अगर आपकी फील्ड स्टडी है तो आपके जो सैंपल्स हैं, जो केस स्टडी आप करने जा रहे हैं, आपकी सोसाइटी में उस तरह के केस अवेलेबल भी हैं, किसी एक खास डिजीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक एरिया में क्या वाकई ही जो है उस तरह की डिजीज़ आपको फ्रीक्वेंट मिलेगी, ताकि आपको आपके डिजायर्ड नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं जितनी आपकी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो मिल सके. और इसके अलावा अगर आप लैब का वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए डेफिनेटली वेट लैब अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की इसके लिए ज़रूरत है, केमिकल्स की ज़रूरत है, और मुख्तलिफ लेबॉरेटरी वर्क के लिए जिस तरह इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत होती है. तो आप उन तमाम चीज़ों को जहन में रख के अपना ऑब्जेक्टिव के जो अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिफाइन करेंगे, कि जो रिजल्ट, जो डाटा जो कंक्लूड करना चाह रहे हैं उसको कंक्लूड करने के लिए जो आपका सपोर्टिंग मटीरियल है वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल है. अगर आप कलेब्रेशन डिवेलप कर सकते हैं तो क्या उसके भी चांसेज हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ग्राउंड बनाने, और इन तमाम चीज़ों को आपके पास ऑन पेपर होना चाहिए कि आपकी फिजिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके हिसाब से आप अच्छा रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो अचीवेबल. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट अ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड हैव एज इट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर रिसर्च. आपकी सारी रिसर्च आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड कर रही है, तो इसको क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. इसमें जितना भी आप स्पेसिफिक रहेंगे आपके लिए आसानी होगी किसी अपने रिजल्ट को कंक्लूजन तक लेके जाने में. इसके अलावा आप जितने ज़्यादा आपके रिजल्ट्स मेयरेबल होंगे, आपके रिजल्ट का जब सपोर्टिंग डाटा नंबर्स की फॉर्म में होगा तो आपका रीडर उसको मुख्तलिफ तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशंस को देख के उसको समझने में आसानी होगी, और डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो भी एक अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा. और इसके अलावा आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीवेबल रिजल्ट्स होना चाहिए, और उसके लिए आपका जो सपोर्टिंग मटीरियल है आपके लिए, आपको जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो आपके पास अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद एक अच्छा रिसर्च ऑब्जेक्टिव डेवलप करने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. If you have still any queries, you can put in the comment section, and don't forget to like my videos and to share it with others. We will meet soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.